तो गाइस दोनों गमलों में, तो जनाब ये आ गए ड्रेनेज होल है, एक छोटा सा ईटा रखे, उम्मीद करते हैं ये पे खजाना। ये ले आए हैं दो छोटे छोटे से गमले और इसमें एक में छेद कर लिया है और दूसरे में अब छेद करने जा रहे हैं। देखिए नीचे यहाँ पर गैस में गर्म कर रहे हैं स्टील को और फिर यहाँ पर इस पे छेद करना है। 15-15 रुपए के ये गमले हैं, 30 रुपए के दो गमले, और ये देखिए यहाँ पर ये बढ़िया सा छेद हो चुका है इसमें। तो गाइस दोनों गमलों में छेद हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये गमले में यहाँ पर। तो अब जल्दी से इसमें लगाते हैं पेड़। चलिए अब लगाते हैं पेड़, फिर उसको बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस आज हम छोटे गमले में लगाने जा रहे हैं पेड़। ये आगे गमले, तो ये रही मिट्टी। तो जनाब ये आ गए हैं पेड़, इनमें जड़े जड़े निकली हैं अच्छे से, तो इसको यही गमले में लगाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से इसमें मिट्टी भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रेनेज होल है, तो इस पर एक छोटा सा ईटा लगाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ताकि मिट्टी पूरी नीचे ना गिर जाए और पानी भी अच्छे से निकलता रहे। इससे थोड़ी सी मिट्टी पहले डाल दें ड्रेनेज होल के ऊपर, मिक्सर वाली मिट्टी है, बढ़िया खाद वाद मिली हुई। ये मिट्टी कुछ कम पड़ेगी तो और थोड़ी सी मिट्टी लेके आते हैं, ठीक है, जल्दी से आते हैं लेके। और ये रही मिट्टी, और यहाँ पर ये गमले में हम थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, अभी इसमें थोड़ी सी और मिट्टी डालेंगे, इसमें थोड़ी मिट्टी और मिलाते हैं जल्दी से। इतनी मिट्टी में हमें लग रहा है हो जाएगा, अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर ये ड्रेनेज होल है, इस पर एक छोटा सा ईटा रखेंगे, इसमें चलिए डालते हैं थोड़ी सी मिट्टी, इसके बाद ज़्यादा पूरी मिट्टी डाल देंगे, इसको भर देंगे पूरे गमले को यहाँ पर से। चलिए गाइस पेड़ लगाते हैं ये वाला जल्दी से, तो चलिए जल्दी से लगाते हैं इस पे पेड़ ये वाला, उम्मीद करते हैं ये पेड़ हमारा अच्छे से इस पे ग्रो कर जाए। और मिट्टी डालते हैं इस पे किनारे किनारे, तो गाइस ये रहा खाद का खजाना। चलिए थोड़ी सी खाद डाल लेते हैं इस पे, तो गाइस तैयार है मेरा छोटा सा प्लांट यहाँ पर लग के। अब इसमें बस थोड़ा सा पानी डालना है, फिर इसके बाद ये रेडी हो जाएगा लगने के लिए। फिर कुछ दिन बाद इसमें नई लीफ निकलेंगी, अभी जाड़ा है तो इसमें कम लीफ निकल रही है, गर्मी में ज़्यादा लीफ निकलेंगे और ये काफ़ी बड़ा सा फैल जाएगा। तो गाइस ये आ गया है पानी, अब इसमें डालते हैं पानी। जाड़े के दिन है, एक बार पानी डाल दें, इसके बाद छुट्टी पानी डालना नहीं पड़ेगा जल्दी से 8-10 दिन। बस अब ये पानी इसमें काफ़ी हो चुका है, नीचे तक पूरा पानी चला जाएगा अच्छे से। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।